फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला आज के इस वीडियो में ऑडिटिंग का यूनिट टू से इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स नीड्स स्कोप इसेंशियल्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल का पहले हम लोग मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं इंटरनल कंट्रोल इज अ ब्रॉड टर्म विद अ वाइड कवरेज इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉड टर्म है वाइड कवरेज के ऊपर एक वाइड कवरेज है इट कवर्स द कंट्रोल ऑफ होल मैनेजमेंट सिस्टम ये पूरी मैनेजमेंट सिस्टम्स को कंट्रोल करता है इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल्स एक्सरसाइज इन अ बिजनेस टू एंश्योर इट्स इफिसियंट एंड इकोनॉमिक वर्किंग इंटरनल कंट्रोल्स जो इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ चेक को जो कि इंटरनल चेक भी होता है एंड कंट्रोल भी होते हैं उनके सारे प्रोसेस को सारे कामों को सारे वर्किंग सिस्टम्स को एक बिजनेस में जो कि एक उसे इंश्योर्स करता है उसे इफ़िशेंट एंड इकोनॉमिक वर्किंग को इंश्योर्स करता है किसी भी बिजनेस का सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज अब दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं कि सिस्टम्स को इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन किया जा सकता है द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेश्स ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान है एंड ऑल दी मैथड्स और वह सभी मैथड्स हैं और प्रोसीजर्स है जिसे अडपटि किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा और उसे एंटीटी एंटिटी किया जाता है एंड असिस्ट किए जाते हैं अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को ऑफ एंश्योरिंग और वह एंश्योर्स करता है एज फार एज़ प्रैक्टिकेबल और उससे साथ ही साथ उसे एक प्रैक्टिकेबल भी करता है प्रैक्टिस भी करता है उस पर ऑर्डरली एंड इफिशियंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस और ये ऑर्डरली एंड इफिशियंट कंडक्ट करता है किसी भी बिजनेस का फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल के फीचर्स हैं पहला है इट इज़ द ओवरऑल कंट्रोल अडेप्टिड बाय ऑल मैनेजमेंट ये एक कंट्रोल है जिसे अडेप्ट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा इट कंप्राइज ऑफ प्लान ये प्लान का कंप्रीज करता है कम्प्राइजेस करता है मैथड्स एंड प्रोसीजर्स का इफेक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए इट कंप्राइज ऑफ इंटरनल चेक ये इंटरनल चेक को भी कंप्राइज करता है इंटरनल ऑडिट को एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स को साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेस एडमिनिस्ट्रेटिंट्रोल को भी कंप्राइज करता है इट इज इस्टेबलिश्ड बाई द मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है इट इज़ इट इसटेंडेड टू हेल्प द मैनेजमेंट ये हेल्प मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए इंटेंडेड किए जाते हैं टू रन द बिजनस इफेक्टिवली बिजनेस को सही तरीके से इफेक्टिवली रन करने के लिए यह इंटेंड करता हैल्प करता है मैनेजमेंट uh, को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इट इज़ एनश्योर्स दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ये इंश्योर्स करता है कि पूरे ट्रांजेक्शन्स को जो है रिकॉर्ड किए जाए प्रॉपर अकाउंट्स बुक अकाउंट्स पे सी दैट मैनेजमेंट पॉलिसीज और मैनेजमेंट पॉलिसीज को देखता है और डिसीजंस को देखता है प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड करने के लिए टू एंश्योर इफ़िशेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस बिजनेस का कंडक्ट को ये इंश्योर्स करता है इफ़िशेंट करने के लिए टू सेफ गार्ड द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को ये सेफ गार्ड करता है टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको ये सेफ गार्ड करने का काम करता है टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को भी रिलायबिलिटी इंश्योर्स करता है नीड ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल का क्या क्या नीड्स हैं पहला बिजनेस डिसीजनस रिक्वायर एक्यूरेट ये बिजनेस का जो डिसीजनस है वो एक्यूरेट रिक्वायर करता है इंफॉर्मेशन टू रन द बिजनस इफिशेंटली जो पूरे बिजनेस का जो से डिसीजन है उनको एक्यूरेट एक्वायर रिक्वायर करता है बिजनेस को इफ़िशेंटली रन करने के लिए चलाने के लिए कंट्रोल्स विद इन एन ऑर्गनाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रोल आर मेन टू प्रिवेंट अननेसेसरी डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट्स और जो अननेसेसरी डुप्लीकेट्स एफर्ट्स है उसे वो प्रिवेंट करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में दिस सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज़ टू तो प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस और जो इंटरनल कंट्रोल जो है सिस्टम्स का वो प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस को दैट जो प्रोसीजर्स एंड रूल्स आर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस आर फॉलोड बाय कंपनी पर्सनल जो वो सारे प्रोसेस और प्रोसीजर्स और रूल्स जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस uh, फॉलो uh, करते हैं कंपनी का पर्सनल के द्वारा द फिज़िकल एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी इस्टॉल और फिजिकल एसेट्स जो है कंपनी का वो चुराए जा सकते हैं मिस यूज़ किए जा सकते हैं इफ़ अगर नो प्रोपरली प्रोटेक्टेड बाय एडिकेट कंट्रोल्स अगर प्रोपरली uh, प्रोटेक्ट uh, नहीं किया जाए एडिकेट कंट्रोल्स के द्वारा तो ये उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं कंपनी के उसे चुराए जा सकते हैं या तो मिस किए जा सकते हैं स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल के स्कोप्स हैं अगर अभी तक आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मैं उसे समझा दूंगा तो पहला स्कोप है अकाउंटिंग कंट्रोल इट एंश्योर्स द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स ये एंश्योर्स करता है रिलायबिलिटी करता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बाई यूजिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ही किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं नंबर टू है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इट इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ये कंसर्न्स करता है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अथॉरिटी का और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का भी काम करता है मैनेजमेंट का एसेंशियल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल का क्या क्या इसेंशियल्स हैं पहला इट्स शुड बी क्लियर एंड वेल डेवलप्ड प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्लान्स होंगे वह व well, पूरी तरीके से क्लियर और वेल well डेवलप्ड होना चाहिए देयर शुड बी वेल डेवलप्ड एंड एडूकेट अकाउंटिंग सिस्टम्स और जो भी अकाउंटिंग सिस्टम्स होगा वो एडूकेट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए और पूरी तरीके से डेवलप्ड होना चाहिए देयर शुड बी साउंड सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स और ये एक साउंड uh, सिस्टम्स होनी चाहिए मेंटेनेंस का और रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स का देयर शुड बी इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम्स और वो एक इंटरनल चेक सिस्टम्स इफेक्टिव होना चाहिए देयर शुड बी गुड ऑडिट सिस्टम और एक ऑडिट सिस्टम जो एक अच्छा ऑडिट सिस्टम्स होना चाहिए पेरीडिकल रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल और जो इंटरनल कंट्रोल का वो पेरीडिकल रिव्यू भी होना चाहिए एडवाटेज ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल के कुछ एडवाटेजेज़ हैं पहला प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग करेक्ट डिसीजंस। ये प्रोवाइड करते एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा को डेटा मैनेजमेंट को एक सही करेक्ट डिसीजंस लेने के लिए एंश्योर्स दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर कंप्लाइड विद और ये इंश्योर्स करता है पॉलिस और प्रोसीजर्स को प्रोमोट्स ऑपरेशनल इफिशेंसी और ऑपरेशनल इफ़ेंसी को ये प्रोमोट्स करते हैं हेल्प टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल्स गोल और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं उनको अटेन करने में हेल्प करता है उसे अचीव करने में हेल्प करता है टू एंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का रिलाईबलिटी को ये इंश्योरस करता है इनके लिमिटेशन हैं पहला लिमिटेशन से ये एक्सपेंसिव होते हैं इंटरनल कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं ट्रांजेक्शंस ऑफ अनयूजल नेचर मे मे नोट बी सब्जेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल और जो भी अनयूजल un, नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इंटरनल चेक में नहीं आता है वो नहीं कर सकता है ह्यूमन एरर्स रिमेन इन एनी सिस्टम ऑफ कंट्रोल और जो ह्यूमन एरर्स हैं उनसे रिमेन में रखा जाता है कंट्रोल सिस्टम्स में तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना है तक अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं मैं उसे सॉल्व कर दूंगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए